हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के बारे में, जिसके अंदर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है, यानी कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। ये जो स्टेप्स दिए हुए हैं इनके बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन नंबर ए की बात करें, तो यहाँ पे देखिए कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पे हम फोर लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी ड्रॉ हो सकती है। एक तो ऐसे ड्रॉ हो सकती है आपकी, राइट। इसके अलावा जो आपकी सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, एक तो आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, एक फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। वन टू हो गई और एक ये थ्री हो गई, और यहाँ से आप देखें तो ये फोर हो गई। यानी कि यहाँ पे हम देख क्या पा रहे हैं कि हमारे पास फोर लाइन ऑफ सिमेट्री कंप्लीटली आपको दिख रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन ऑफ जो सिमेट्री है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए वो फोर्थ। इसी तरीके से बी की बात करें तो यहाँ भी फोर होगी। क्वेश्चन नंबर सी की बात करें तो यहाँ भी फोर होने वाले हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया हुआ है, इस तरीके से यहाँ भी होने वाली है और यहाँ भी फोर होने वाली है, राइट। यहाँ भी आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी ऐसे 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 और ऐसे, मतलब चारों तरफ से आप ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। केवल हमें नंबर ऑफ लाइंस बतानी है कितने होने वाली हैं। अब हम डी की बात करें तो डी में केवल एक ही पॉसिबल है लाइंस ऑफ सिमेट्री। वो किस तरीके से पॉसिबल है आप देखिए, केवल यहीं से पॉसिबल है। ये जो लाइन दिख रही है केवल यहीं से पॉसिबल, इसके अलावा कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जिसके थ्रू हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ कर सके, राइट। तो यहाँ पे केवल वन होने वाला है। इस तरीके से अगर हम ई की बात करें तो यहाँ पे सिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन में आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, वन टू, ये हो गया हमारा थ्री, इस तरीके से आप फोर, राइट, इस तरीके से फाइव और इस तरीके से आप सिक्स, यानी कि टोटल छः लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। और एफ की अगर बात करें तो यहाँ भी हम फोर ड्रॉ कर सकते हैं। और जी के अंदर हम कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री जीरो, बिल्कुल कुछ हम ड्रॉ नहीं कर सकते। और एच के अंदर भी बिल्कुल जीरो होने वाला है, और आई के अंदर थ्री नंबर ऑफ लाइंस की जो सिमेट्री है हम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम समझ पा रहे हैं कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी है हर एक शेप्स में। ये चीज़ें हमें कम्प्लीटली समझ आ चुकी हैं। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है और कैसे हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ हमें दी जा रही है कि ये जो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, इन सारे ट्रायंगल्स को आपको कॉपी करना है एक स्क्वायर्ड पेपर पे, और स्क्वायर्ड पेपर आपके सामने ये दिख रहा है, और यहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं ई वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री में ड्रॉ करने वाला हूँ। तो यहाँ से हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने वाले हैं। इसका कलर थोड़ा अलग रखते हैं ताकि चीजों को समझने में हमारे लिए आसानी होगी। तो ये इसकी होने वाली है लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। ये इसकी होने वाली है कंप्लीट लाइन ऑफ सिमेट्री, और इस लाइन ऑफ सिमेट्री को ये इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, और कह सकते हैं अब इसका जो भी नाम दे, L1, L2, तो ये आप इसको कह सकते हैं कि ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए के अंदर ये इसकी कंप्लीट लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसकी कंप्लीट लाइन ऑफ सिमेट्री आपके सामने दिख रही है, राइट। तो ये है हमारा L1, राइट। ये हमारा L1 है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आपका L1, राइट, ये आपका L1 है। तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए में कि यहाँ पे L1 इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, L1 इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। और इस तरीके से आप इसकी सिमेट्री को ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी के बारे में बात करते हैं, और यहाँ भी समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी लाइन होगी जहाँ से ये ड्रॉ होने वाला है। तो यहाँ से देखिए, आप कंप्लीटली इसको यहाँ से ड्रॉ करने वाले हैं। ये जो लाइन आपके सामने दिख रही है, ये कंप्लीट जो लाइन है आपको ये कंप्लीट यहाँ से आप इसकी सिमेट्री ड्रॉ करने वाले हैं, यानी कि L2। आप कह सकते हैं बी के लिए कि L2 इज द लाइन ऑफ ऑफ सिमेट्री, राइट। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं से भी हम नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ से हमें करना होगा। जो भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें ड्रॉ करनी है वो यहाँ से ही पॉसिबल हो पाएगी, राइट। तो यहाँ से आप अपनी लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ कर सकते हैं,
और ये हमारी L2, L3, आप जो भी रखना चाहें नाम इसके रख सकते हैं। तो आप L3 रख सकते हैं, तो C में आप लिख सकते हैं L3 इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो डी वाला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कोई लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते, यहाँ से भी अगर करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं दिख रही है क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर। तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे कोई भी जो सिमेट्री की लाइन है वो हमारे पास नहीं है क्वेश्चन नंबर डी के अंदर, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है और तीन चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले तो सेप दिया हुआ है, यानी कि इसका नेम, जिसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, रेक्टेंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल, रोम्बस और सर्कल, ये चीज़ें दी हुई हैं। और ये दिया हुआ है हमारे पास रफ फिगर, और इन रफ फिगर्स को ड्रॉ करके हमें ये बताना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी है। तो यहाँ पे देखिए L1, L2 और L3, तो यहाँ पे टोटल 3 है, तो यहाँ पे हमें लिखना है कि 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। तो चलिए वन बाई वन करके सारी चीज़ों को ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री है और उसका रफ फिगर कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कि हमने रफ डायग्राम के थ्रू इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है इसको हमने देख लिया था। उसके बाद बारी आती है स्क्वायर की, और स्क्वायर आपको पता है कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं अपने स्क्वायर को, और स्क्वायर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे देखिए इसी स्क्वायर के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री में L1 इस तरीके से आप कर सकते हैं, L2 और L3, इसके अलावा L4, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री है वो 4 होने वाले हैं इसके अंदर। इसी तरीके से अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो आप इस रेक्टेंगल को भी समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, इसका रफ फिगर क्या होने वाला है और किस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये है हमारा रेक्टेंगल, जो कि कुछ इस तरीके से बना होता है हमारा रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल के अंदर केवल दो सिमेट्री हो सकती है, एक तो आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे सिमेट्री को, एक इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं, राइट। और जो दूसरी सिमेट्री होती है वो भी अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक तो ये पहली लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और दूसरी आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो ये है L1 और L2, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये भी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पे 2 है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर केवल एक ही पॉसिबल है, क्योंकि आइसोसेलेस में क्या होता है कि केवल दो साइडें इस तरीके से इक्वल रहती हैं, तो वो हमारा केवल उसमें एक ही पॉसिबल हो पाता है। अब हम बात करते हैं रोम्बस की, रोम्बस में केवल दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, आप देख सकते हैं इस इमेज के थ्रू। और सर्कल, सर्कल में तो इनफाइनाइट है, मतलब कि इसमें हम कहीं से भी अगर ड्रॉ करना चाहें ना, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना चाहें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पता नहीं, इसमें इनफाइनाइट इनफाइनाइट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सर्कल के अंदर आप जितनी चाहे उतनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, उतनी सिमेट्रिक बन सकती हैं, राइट। तो ये बात हो गई सर्कल की माय डियर फ्रेंड्स। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है कि क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें हम काउंट करते हैं, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होती हैं। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में, उसको समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन नंबर फोर के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में, जिसमें दिया हुआ है कि कैन यू ड्रॉ अ ट्राइंगल विच हैज़, क्या आप एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं जिसके अंदर केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, यस इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करेंगे और इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ कि एक ऐसा ट्राइंगल है जिसको आप ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होने वाली है। ये केवल यहाँ से एक ही इसके अंदर सिमेट्री लाइन आने वाली है, तो वो किस तरीके से आएंगी, वो यहाँ से जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, राइट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यस ये पॉसिबल है, जो कि यस आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर ये पॉसिबल है, यस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यस यस आइसोसेलेस और ट्राइंगल, राइट, आप लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसी तरीके से हमसे पूछा गया है सेकेंड क्वेश्चन, बी वाला क्वेश्चन, कि एग्जैक्टली टू लाइन ऑफ असिमेट्री
किसी भी ट्राइंगल के अंदर ऐसी चीजें नहीं है। आप कह सकते हैं नो सच ट्राइंगल, नो सच ट्राइंगल, नो सच ट्राइंगल कैन नॉट बी फाउंड, नो सच ट्राइंगल कैन नॉट बी फाउंड, कैन नॉट बी फाउंड, राइट। ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं है जिसमें कि एग्जैक्टली दो लाइंस की सिमेट्री बनती है। उसकी थ्री लाइंस की सिमेट्री एग्जैक्टली बनती है जब हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल किस तरीके का होता है, ये होता है इसके अंदर थ्री नंबर ऑफ लाइन की सिमेट्री आप बना सकते हैं इसके अंदर, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब कैसे आप ड्रॉ करेंगे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री को, तो इसको मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी। एक तो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से ड्रॉ होती है, राइट, जिसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक इसी तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी यहाँ से ड्रॉ होती है, जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा कि लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से भी ड्रॉ हो सकती है, राइट। तो ये दो हो चुकी है लाइन ऑफ सिमेट्री, और इसके साथ ही अगर हम तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो सकती है, राइट। तो ये है टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री को कैसे हम ड्रॉ करते हैं। ये चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे टोटल थ्री लाइन ऑफ सिमेट्रीज को ड्रॉ कर सकते हैं आप, बिल्कुल एग्जैक्टली आप कह सकते हैं इसमें कि ये L1 है, ये L2 है, और ये आपके L3 है, राइट। तो ये सी वाला क्वेश्चन है, और यस ये पॉसिबल है इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर डी के बारे में, नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है जब हमारा जो ट्राइंगल है वो स्केलेन ट्राइंगल हो, मतलब जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना, वो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो हमारा जो होगा वो स्केलेन ट्राइंगल होगा। जैसे कि आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती, राइट। तो यस ये भी पॉसिबल है जब आप स्केलिंग ट्राइंगल ड्रॉ करें। तो चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं कि कहाँ पे वन नंबर ऑफ लाइंस की सिमेट्री बनेगी, जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, जिसमें तीन सिमेट्रिक लाइन होंगी वो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, जिसके अंदर कोई भी नहीं होंगी वो स्केलिंग ट्राइंगल होगा, और कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल नहीं है जिसके अंदर दो नंबर ऑफ लाइन की सिमेट्री बने। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में, और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक स्क्वायर पेपर है, और जिसके अंदर आपको बनाना है एक ट्राइंगल विथ हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, केवल हॉरिजेंटल बनाना है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके अंदर केवल और केवल हमें हॉरिजेंटल लाइंस की सिमेट्री चाहिए, कोई भी वर्टिकल लाइंस की नहीं चाहिए, तो उसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल ये आप देख पा रहे हैं L1 जो कि हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री है, कोई भी वर्टिकल नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी के बारे में अगर हम बात करें कि एक क्वाड्रिलेटरल विथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये देखिए हॉरिजेंटल भी हमने ड्रॉ किया हुआ है और वर्टिकल भी ड्रॉ किया। L1 हमारा हॉरिजेंटल है और L2 हमारा वर्टिकल है, कंप्लीटली आप देख पा रहे होंगे इस चीज को, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बी। इसी तरीके से हमें ड्रॉ करना है कि क्वाड्रिलेटरल विथ हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल, आपका हॉरिजेंटल ड्रॉ तो करना है बट कोई भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात हो रही है, इस बार ट्राइंगल के बारे में बात नहीं हो रही है, इस बार क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल के आप अंदर आप देख पा रहे होंगे कि केवल और केवल हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, लेकिन कोई भी वर्टिकल्स नहीं है। आप इस तरीके से भी घुमा सकते हैं, तो ये हॉरिजेंटल वर्टिकल आप समझ पा रहे होंगे, और हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों करना है। एक हेक्सागोन है, हेक्सागोन के अंदर छह साइडें होती हैं, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 6 लाइंस का होता है हमारा हेक्सागोन, और दो लाइन की सिमेट्री हमें बनाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे हेक्सागोन का बनाना है, हेक्सागोन का बनाना है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, हेक्सागोन की जो सिमेट्री होती है वो कुछ इस तरीके से बनने वाली है, राइट। यानी कि यहाँ से आप लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ कर सकते हैं। हेक्सागोन के अंदर जो बनने वाली है, टोटल छह साइडें रहती हैं उस हेक्सागोन के अंदर, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं एक हेक्सागोन को, राइट। इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल छह साइडें आपको दिख रही हैं। तो एक आप इस तरीके से ड्रॉ करिए, दो लाइन्स की सिमेट्री अगर आपको ड्रॉ करनी है,
एक आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते एक आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, और एक सबसे पहली चीज़ जो आपको ड्रॉ करनी है, एक आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज़ जो चीज़ है वो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स ज़्यादा हो रही हैं, तो आप इस इमेज को हटा सकते हैं और इस इमेज को रख सकते हैं। इसके अंदर L1 और L2 इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि हेक्सा हेक्सागन जिसके अंदर विथ दो लाइन की सिमेट्री बन रही है, तो ये आपके सामने कम्प्लीटली दो लाइन्स की सिमेट्री बन रही है, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे जो हमारा क्वेश्चन नंबर ई है उसमें हेक्सागन बनाना है जिसमें कि 6 लाइन की सिमेट्री हमें ड्रॉ करनी है। देखिए इसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको 6 लाइन की सिमेट्री चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। देखिए उसको भी हम बनाते हैं, तो उसके लिए हम इस चीज़ को रफ़ कर लेते हैं, राइट। इस चीज़ को हमें रफ़ करना होगा और इसको मैं रफ़ कर लेता हूँ, और डी के बाद अब मैं बात करता हूँ ई के बारे में, राइट। तो जो ई है इसको इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे इसको हम ड्रॉ करेंगे। ये तो हमारा डी का हो गया, L1 और L2 हमने ड्रॉ कर लिया। ई के बारे में अगर हम बात करें तो ये हेक्सागन बनाना है, 6 लाइनों की सिमेट्री हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फिर से हमने लिया है एक हेक्सागन, और इस हेक्सागन में अब मैं थोड़ा कलर्स करने वाला हूँ ताकि चीज़ें क्लियर होने वाली। कलर्स लाइंस में रखूंगा ताकि आपको 6 कलर्स अलग अलग समझ आएंगे कि कैसे कौन से कलर्स में क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो हम एक जो लाइन नंबर लाइन की सिमेट्री आएगी वो कुछ इस तरीके की आने वाली है, यानी पहली लाइन तो यहाँ पे आ गई आपकी, एग्जैक्टली ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। जो दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिखेगी वो कुछ इस तरीके की होने वाली है, यानी कि अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये बिल्कुल ये रेड होगी हमारी, ये हमारा अलग कलर का हो गया, राइट। और इसी तरीके से ये दो हो चुके हैं, इसके बाद हम तीसरी भी ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरी आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारी थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री है, राइट। और इसमें भी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं आपकी कंप्लीटली, और इसको कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, राइट। इसी तरीके ये तो 3 लाइंस आपको दिख रही हैं, लेकिन हमें 3 और लाइंस ड्रॉ करनी है, 6 लाइंस ड्रॉ करनी है। तो आप ड्रॉ कर सकते हैं कुछ यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं। हाँ ये राइट, ये भी एक सिमेट्री लाइन हमारे पास ड्रॉ हो रही है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आप इस तरीके की लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, राइट। और इसके अलावा चाहें तो आप एक इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से की लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं जो कि आपको कुछ इस तरीके की लाइन दे, यानी कि आप यहाँ से ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये जो टोटल 6 लाइंस आपके सामने दिख रही हैं ये इसकी नंबर ऑफ सिमेट्रीज है, ये इसकी नंबर ऑफ सिमेट्रीज है। तो आप इनको सबके नेमिंग कर दीजिए तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आपका L1 है, ये आपका L2, ये L3, ये L4 और ये L5, और ये जो है वो L6। यानी कि इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्रीज को आप बना सकते हैं, और ये कंप्लीट फिगर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं कि स्क्वायर पेपर पे कैसे आपको ड्रॉ करनी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6th के बारे में, और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें दी हुई हैं और कैसे उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6th के बारे में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6th के बारे में, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है कि आपको ट्रेस करना है ये जो फिगर्स दिए हुए हैं A B C D E F, और इन फिगर्स को ट्रेस करके आपको बताना है कि लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी है आपको ड्रॉ करना है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसी लाइन नहीं दिख रही है जहाँ से हम इसकी लाइंस को ड्रॉ कर सके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नो लाइंस, कोई लाइंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी के बारे में बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं कलर वाइज चीज़ों को करने वाला हूँ ताकि चीज़ें बहुत ही आपको क्लियरली समझ आएंगी कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है। सबसे पहली चीज़ कि आप यहाँ पे देखिए, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है जो आपके सामने दिख रही है, राइट। ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है जिसको आप चाहें तो समझ सकते हैं अच्छी तरीके से कि एक लाइन तो हमारे सामने बिल्कुल करेक्टली दिख रही है जिसको हमने ड्रॉ किया, राइट। और इसी तरीके से इस फिगर में एक और लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि बिल्कुल यहाँ से होते हुए जाएगी, यानी कि इसके अंदर जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो दो है, दो लाइंस यहाँ पे आपको दिख रही हैं, 2 लाइंस दिख रही हैं। तो आप कह सकते हैं
टू लाइंस हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें सी वाले ऑप्शन के बारे में बात करें और इसको समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे हम बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें कि फोर लाइंस दिख रही हैं आपको, करेक्टली फोर लाइंस दिख रही हैं। एक सबसे पहली लाइंस आपको दिखेंगी इस फिगर के अंदर, जो कि आप यहाँ से इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक ड्रॉ करने वाले। देखिए लाइन को थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से ड्रॉ करता हूँ। पहली लाइन ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ से दिखने वाली है, राइट, फर्स्ट। एंड जो सेकेंड दिखेगी वो आपको यहाँ से दिखेगी, राइट। जो थर्ड आपको दिखने वाली है वो यहाँ से आपको दिखेगी, और जो फोर्थ दिखेगी वो आपको यहाँ से दिखेगी, राइट। यहाँ पे टोटल जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज आप देख पा रहे हैं वो फोर है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइंस है ना वो फोर है, फोर लाइंस हैं। क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी होने वाली है। देखिए यहाँ पे केवल और केवल दो लाइन ऑफ सिमेट्री होने वाली है, जिनको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आएँ। और पहली लाइन जो आपको ड्रॉ करनी है आपको यहाँ से, और दूसरी जो आपको दिख रही है वो यहाँ से। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें मिल रही हैं टू लाइंस। क्वेश्चन नंबर ई के बारे में बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे केवल और केवल एक ही नंबर ऑफ लाइन की सिमेट्री आपको दिख रही है, तो आप लिख सकते हैं वन लाइन, राइट। अब हम एफ के बारे में बात करते हैं कि यहाँ से कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्रीज की बात करें, तो आप यहाँ भी चीज़ों को उसी तरीके से समझ सकते हैं जैसा आपने क्वेश्चन नंबर सी के अंदर समझा था। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो रही है, दूसरी आप इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो रही है वो ये हो रही है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे जो दिख रही है वो आपको ये एक थर्ड लाइन दिख रही है, और यहाँ से आपको फोर्थ लाइन दिख रही है, राइट। तो यहाँ पे इन सारे फिगर्स में, ये क्वेश्चन नंबर एफ के अंदर फोर लाइन ऑफ फिगर्स हो रही है। कितनी हो रही है? इसके अंदर हो रही है फोर लाइन हो रही है, राइट। तो आप इन सबकी नेमिंग भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, L1, L2, L3 और L4। और यहाँ पे केवल L1, और यहाँ पे L1 और L2। यहाँ पे देखिए आप L1, L2, L3, L4, यहाँ पे L1 और L2, यहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। तो आप इनको नीट एंड क्लीन तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि चीज़ों को अच्छी तरीके से आप समझ पाएँ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन के बारे में, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेवन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि हमें कंसीडर करना है जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेकर के जेड तक, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जितने भी हैं उन सबको आपको कंसीडर करना है, और बताना है कि वर्टिकल्स लाइंस ऑफ सिमेट्री किस किस अल्फ़ाबेट्स के अंदर हो सकती हैं, इनको आपको बताना है। तो अगर आप समझना चाहें इन चीज़ों को, तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि वर्टिकल्स लाइंस ऑफ सिमेट्री वाले कितने हैं, हॉरिजेंटल लाइन वाले सिमेट्री वाले अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, और नो लाइंस वाले सिमेट्री कैसे हैं। देखिए अगर वर्टिकल लाइंस की बात करें, तो आप ए में देखते हैं कि वर्टिकल्स लाइन का मतलब है कि जो लाइन बिल्कुल ऐसी होती है, हॉरिजेंटल लाइन का मतलब होता है कि लाइन हमारी ऐसी होगी, नो लाइंस का मतलब जिसके अंदर कोई भी लाइंस नहीं होंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि इंग्लिश के कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो कि वर्टिकल्स लाइन ऑफ सिमेट्री को फॉलो करते हैं, जिसके अंदर हम वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए वर्टिकल लाइंस के बारे में हम बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं वर्टिकल, वर्टिकल लाइंस, राइट, वर्टिकल लाइंस कि अल्फ़ाबेट्स के वो कौन कौन से लेटर हैं। तो अल्फ़ाबेट्स के वो कौन कौन से लेटर हैं आपको क्लियरली समझ आएगा जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, राइट। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ए के बारे में, तो ए है हमारे पास कम्प्लीटली अल्फ़ाबेट का। इसके साथ ही एच है, आप देखिए एच में भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके अलावा आई है हमारा, जिसके अंदर आप वर्टिकली लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास है एम, और ओ के अलावा आप समझ सकते हैं टी भी है जिसमें वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, यू भी है आप जिसमें वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, वी और डब्ल्यू, और इसके साथ साथ एक्स और एंड वाई, कि ये एक अल्फ़ाबेट्स के ऐसे लेटर्स हैं जिनमें आप
वर्टिकल्स लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। चाहे हम ए के बारे में बात करें, एच के बारे में, आई के बारे में, एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, यानी इन सब के अंदर वर्टिकल्स लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो सिमेट्री कंप्लीटली बनने वाली है इनके अंदर, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के बारे में, जिसमें हम समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल जो होगा वो लाइंस कौन कौन से अल्फाबेट्स रखने वाले हैं। तो चलिए इनके बारे में भी बात कर लेते हैं, और ये वो कौन से लेटर्स होंगे। ये सबसे पहले तो होगा हमारा बी, राइट। इसके साथ होगा हमारा सी और डी, ई होगा और एच भी होगा। एच दोनों तरफ से होता है, हम वर्टिकल में भी इसको काउंट करते हैं और हॉरिजेंटल में भी। आई भी हमारा है और इसके साथ के भी है हमारा, और ओ और वाई, वाई नहीं है बल्कि हमारा होगा एक्स, राइट। तो ये तो हो गए हॉरिजेंटल लाइंस वाले, और ये भी चीज़ें आपको समझ आई होंगी अच्छी तरीके से। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे थर्ड वाला है, इसमें जो जिसमें हमें बताना है कि नो लाइंस ऑफ सिमेट्री कौन सी है, जिसके अंदर कोई लाइंस हैं, कोई लाइंस ही नहीं, राइट। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि वो कौन से लेटर्स हैं इंग्लिश के। तो वो है हमारे पास सबसे पहले तो एफ, जिसके अंदर कुछ भी लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं है, और मैं चाहूँगा कि ये जो लेटर्स हैं इनको और अलग कलर से बताया जाए ताकि चीज़ें क्लियरली हमें समझ आएंगी। एफ एफ होने वाला है और एफ भी होने वाला है हमारे सामने, राइट। और एफ के अलावा अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं कि जी भी है, और इसके अलावा जे है, फिर एन पी और क्यू के साथ आर भी है, एस और फिर जेड। ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से कि ये जो लेटर्स हैं इंग्लिश के, अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको आप इसके अंदर कोई भी लाइंस ड्रॉ नहीं की जा सकती। तो हमने वर्टिकल्स लाइंस के बारे में देखा, हॉरिजेंटल लाइंस के लेटर्स को देखे, और नो लाइंस के लेटर्स को भी हमने देखा कि किसके अंदर पॉसिबल ही नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में और उसको समझ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें तो यहाँ पे दो फिगर्स दिए हुए हैं और कुछ फोल्डेड सीट्स हैं, डिजाइंस दी हुई हैं, और आपको ड्रॉ करना है रफ डायग्राम्स वुड बी सीन द डिजाइंस कट ऑफ, जहाँ से हम इसकी डिजाइंस को कट ऑफ कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कुछ और हम ड्रॉ करते हैं अपने अकॉर्डिंग्स। तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका एक पेपर फोल्ड सीट है, और इस सीट के अंदर अगर आप कुछ इस तरीके की इमेज को ड्रॉ करते हैं तो आप बिल्कुल इनको अगर आप कट करना चाहें तो लाइन ऑफ सिमेट्रीज को आप इस तरीके से कट कर सकते हैं, यानी कि जो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी आप इनको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, कंप्लीटली आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। जो कि बिल्कुल यहाँ से आप इनको कट कर सकते हैं, राइट। ये जो फिगर्स हैं इनको आप यहाँ से कट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से एक और हम पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिसमें कि ये आपकी जो है वो एक सीट होगी, और इस सीट को सबसे पहले तो हम अच्छी तरीके से रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छी तरीके से हमें समझ आएँ, और इसके अंदर हम ड्रॉ करने वाले हैं अपने अकॉर्डिंग्स एक पिक्चर्स। तो आप इस तरीके की पिक्चर्स भी बना सकते हैं, राइट। और इस पिक्चर को आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, पिक्चर, और इस पिक्चर को अगर आप चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, राइट। और इसके अंदर जो ड्रॉ करेंगे आप, इस तरीके की चीज़ें होंगी जिसको आप ड्रॉ करने वाले हैं, वो होंगी कुछ इस तरीके की चीज़ें जिन्हें आप ड्रॉ करने वाले हैं, राइट। तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग्स, अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग आप कोई सा भी रफ डायग्राम बना सकते हैं जो इसको कवर कर सके। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल्स बता दिए हैं, अगर आप चाहें तो ये जो रफ, ये तो हमने बता दिया कि आप अपने अकॉर्डिंग्स कोई भी चीज़ को
समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमें इन्हीं फिगर्स को ड्रॉ करना है, चलिए इन फिगर्स को भी हम ड्रॉ करके समझते हैं कि कैसे इन्हें आप कंप्लीट कर सकते हैं अनदर वे में। यानी कि अगर ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इसके नीचे का पार्ट क्या होने वाला है जब आप इसे ओपन करेंगे, जब आप इसे कंप्लीट करेंगे इस रफ डायग्राम को कट करने के बाद, तो किस तरीके की चीज़ें दिखने वाली हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, सबसे पहले तो आप अपने अकॉर्डिंग्स भी फोल्डेड शीट्स में आप सब बना सकते हैं। तो आप ये प्रैक्टिकल आपको करके देखना है, ये आपको प्रैक्टिकली करके देखना है। और ये जो इमेज दी जा रही हैं, इन इमेज की जो आंसर्स होंगे उसको मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि वो कैसी उनकी डिजाइंस दिखने वाली हैं। जब इसको हम कट करके ओपन करेंगे तो कैसी डिजाइंस दिखेंगी जब आप इसको ओपन करने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। ये फोल्डेड शीट्स हैं, इसको हमने कट किया हुआ, ये भी एक फोल्डेड शीट है जिसको हमने कट किया हुआ, तो उसकी डिजाइंस कैसे दिखेंगी ये चीज़ हमें बतानी है। यानी कि अगर हम इसके डिजाइंस की बात करें तो इसकी डिजाइंस अगर आप ये जानना चाहते हैं, ये देखिए इस पिक्चर्स को आपको खुद ट्राई करके देखना है ड्रॉ करके, और इनके अगर आप आंसर्स को जानना चाहते हैं कि फोल्ड करने के बाद क्या दिखने वाला है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है जो कि अभी आपके स्क्रीन पे मैं लाने वाला हूँ। ये जो इमेज दिखेगी ना, वो कुछ इस तरीके की इमेज दिखेगी, राइट, कुछ इस तरीके की इमेज दिखेगी। अब देखिए आपके सामने ये इमेज कैसी थी, ये जो थी ये फोल्डेड इमेज आप देख पा रहे हैं ये थी। इसका जो इमेज है ना वो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, इसका जो इमेज है वो ओपन करने के बाद ऐसा दिखेगा। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि यानी कि इसमें वो कह रहा है कि आप देखिए ये चीज़ और ये चीज़ इधर से आई, राइट, और फिर ये ऐसे होगी, फिर ये ऐसे, ये कंप्लीट हो जाएगी, राइट। इसी तरीके से ये ऐसे और ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपको प्रैक्टिकल अपने एक्सरसाइज के लिए आपको करना है। सो आप खुद करके देखिए, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसमें आप जब करेंगे तो ही चीज़ें समझ और अच्छी तरीके से आती हैं कि क्या हो रहा है, कैसी इमेजेस बन रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे फ्रेंड्स कि ये जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 13 पॉइंट, जिसमें क्या बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी, सिमेट्री से रिलेटेड आपने चीज़ों को देखा, प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए मैंने 2 चीज़ें आपको दी थी लास्ट क्वेश्चन के अंदर, उसको भी आप करके देखिए घर पर, और इस तरीके से आप कंप्लीट सिमेट्री को प्रैक्टिकल वे में सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग अवर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग अवर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस।